हाय, मैं कीटो डाइट पर हूँ एंड कीटो पे बहुत कम चॉइसेस होते हैं कुछ भी खाने के। तो आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है जो कीटो फ्रेंडली है, और वो है फिश मॉली केरला स्टाइल। ये मैंने अपनी फ्रेंड जेनी से सीखा था, क्योंकि वो ऐसे ही कुछ बनाती थी, अपने स्टाइल में बनाती थी, नथिंग लाइक व्हाट यू फाइंड ऑनलाइन। सो इट्स समथिंग दैट इज यूनिक, सो हैव अ लुक, हो सकता है आपको भी पसंद आ जाए। बासा फिश या आपके कोई भी चॉइस ऑफ फिश को आधे घंटे तक मैरिनेट करिए, और फिर लीजिए ये जो इंग्रेडिएंट्स मैंने स्क्रीन पर दिए हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको लगेंगे। फिश को पहले फ्राई कर दीजिए मैरिनेशन के बाद, ताकि ये टूटे नहीं करी के अंदर, क्योंकि बासा वैसे भी बहुत सॉफ्ट होता है। फिर थोड़ा सा तेल लीजिए एक कढ़ाई में। जब तक वो तेल गर्म हो रहा है, अपने फिश को जो फ्राई हो चुका है निकालिए। फिर उस गर्म तेल में अपना अनियंस डालिए और हरी मिर्ची भी डाल दीजिए, और उसे अच्छे से फ्राई कीजिए। उफ, क्या गर्मी है। जब अनियंस गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो उसे और मिर्ची और धनिया और जीरा सब इसमें डाल दीजिए मिक्सी में, और 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, और पूरा का पूरा जो भी मिल्क है, 2 डिब्बे मैंने रखा है कोकोनट में, वो डाल के इसे अच्छे से मिक्स कीजिए मिक्सी में। नमक ऐड करना मत भूलना। फिर कड़ी पत्ता लीजिए और थोड़ा 2 चम्मच तेल डालिए कढ़ाई में, फिर से उसमें कड़ी पत्ता और लाल मिर्च का बघार लीजिए। जब ये थोड़ा सा पक जाए, अब इसमें हम ऐड करेंगे जो मिक्सचर हमने मिक्सी में बनाया है कोकोनट मिल्क का। उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना ज़रूरी है, ताकि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली हो जाए, नहीं तो कोकोनट मिल्क की वजह से बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फिश मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब आपके स्वाद अनुसार। इसे अच्छे से स्टर करेंगे, इसमें फिर से नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। वैसे मैं बता दूं, हम लोग काला नमक यूज़ करते हैं, यानी कि सिंगदा नमक। अब इसमें हम डालेंगे कैरी, अखा कैरी भी और उसका बीज भी। अब इसे अच्छे से उबलने देंगे स्टर करते हुए, इसका उबलना ज़रूरी है। जब ये उबलने लग जाए, हम फिश के फ्राइड पीसेस जो हैं, सेमी फ्राइड होंगे, उसको हम डाल देंगे फिश मोली में, और उसे अच्छे से स्टर करके जेंटली हम अभी इसे पकने देंगे कम से कम 15 मिनट। फिश को ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने के लिए, 15 मिनट, ताकि कैरी भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ये रहा तैयार फिश मॉली, कीटो स्टाइल फिश मॉली। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो ऑफ माइन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट बिलो कि आपको ये डिश कैसा लगा, आपने इसे ट्राई किया, इसका टेस्ट कैसा लगा। बाय।